अबे ओ सामने से हट, बह रहा है क्या, मरना है तूने साले। ये नहीं बचेगा मेरे हाथ से। क्या हुआ भाई, मार क्यों रहे हो? अबे सुबह से हरम दे रहा हूँ, बह रहा है क्या? अच्छा ये बता मुख्तियारे का घर किधर है? इधर से तो कोई जनाजा नहीं गुजरा। अबे ये तो सच में बह रहा है। अबे मुख्तियारे का घर पूछ रहा हूँ, मुख्तियारे का। अबे मुझे क्या पता है कितने बजे जनाजा है, चल दफा। हाँ काली ले आया हूँ मंडी से कुर्बानी का जानवर, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ओ भाई साहब खैर है? भाई साहब बकरे के कितने पैसे मांग रहे हो? भाई साहब बेचना नहीं है, मैंने खुद अपनी कुर्बानी के लिए लिया है, चराने के लिए आया हुआ हूँ। हैं? 1.5 लाख? ये तो बहुत पैसे हैं, कोई सही सी कीमत बताओ इसकी। अबे मुझे तो तू कोई बहरा लगता है, मेरा टाइम जाया क्यों कर रहा है, निकल यहाँ से। ओ भाई मार क्यों रहे हो, बोला तो सिर्फ रियायत करने का है, इतने पैसे जो मांग रहे हो। ओ अक्कल के अंधे, मैंने एक दफा कहा है मैंने नहीं बेचनी, नहीं बेचनी। 20,000 की भी कोई रियायत है? आप ऐसा करो 1 लाख रुपया लगा दो इसका। मैं पागल हो जाऊंगा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने नहीं बेचनी, नहीं बेचनी, मैंने अपनी कुर्बानी के लिए ली है, दफा हो जाओ यहाँ। भाई जान घर अबू बुला रहा है, बकरा रह के चलो। ओ भाई साहब एक मिनट सबर करो, हमारा सौदा क्यों खराब कर रहे हो? बस 20,000 का फर्क रह गया, अभी बन जाएगा हमारा सौदा। हैं भाई ये तो बकरा अपनी कुर्बानी के लिए आप बेच रहे हो। अबे यार मैंने उसे बोला है हमने अपनी कुर्बानी के लिए लिया है, पता नहीं ये बेवकूफ कहाँ से मेरे गले पड़ गया है। अबे मैंने उसे 1 लाख रुपया रेट बोला है और तूने उसे डायरेक्ट 1,30,000 रुपए बोल दिया। अबे यार ये पागल है, मुझे भी पागल कर देगा, मेरी इसे जान छुड़वा। अबे मारा क्यों सालो, 1,30,000 रुपए तो खुद मांग रहा था, 1 लाख तो दे रहा था इसका, पागल अवाम है कोई। अल्लाह के नाम पे दो, भला हो आपका बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटा। सुबह से निकला हूँ मार ही पड़ रही है, कारोबार तो ये बंदा कर रहा है, क्यों ना मैं भी अपना यही काम शुरू कर दूं, बगैर इन्वेस्ट के प्रॉफिट है इसमें। अल्लाह के नाम पे कोई दे, अल्लाह के नाम पे कोई दे दो बाबा। है कोई? ये ले बाबा हमारे हक में दुआ करना। कहा सही कहते हैं, बंदा काम करने वाला हो तो रिश्ते ऐसे जगह जगह पे मिलते हैं। असल में बात दरअसल ये है कि मैंने अभी नया नया काम शुरू किया है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धूमधाम से आऊंगा आपके पास शादी करने। अभी कमीने भिखारी कही के मैं तुझसे शादी करूंगी, चल जा यहाँ से दफा हो जा। अरे मेरी रानी इतनी भी क्या जल्दी है, बस ज्यादा नहीं 15 दिन सबर कर लो, कुछ पैसे जोड़ लूंगा ना फिर कर लेंगे शादी। रुक तो कमीने साले, मैं भी अपने शोहर को बुलाती हूँ। हाय अल्लाह मेरे इश्क में इस कदर पागल हो गई है कि 15 दिन भी सबर नहीं कर सकती। हाँ भाई क्या मसला है आपका? अरे वाह निकाह के लिए मौलवी साहब को भी बुला लिया। अरे कमीने तुम कौन हो, तुम्हारी कैसे जरूरत हुई मेरी बीवी को छेड़ने की? हा? अरे मौलवी साहब यही बात तो मैं उसे समझा रहा था, 10-15 दिन मुझे दे दें, मैं कुछ पैसे जमा कर लूं। मौलवी साहब निकाह आपसे पढ़ूंगा, टेंशन ना ले।